सुरेंद्र मोहन पाठक जी ने अपनी 300 किताबें जो लिखी हैं उसमें कभी कोई ऐसा आपका हीरो और विलेन था, कोई कहानी थी जिसमें लाश के टुकड़े हुए? भाई मैं तो इतनी वायलेंट बातें लिखता नहीं हूँ, मेरा दिल हिलता है लिखने में ही, मैंने कभी कोशिश नहीं की। मैंने सेक्स वायलेंस दोनों से हमेशा परहेज रखा है, लेकिन बात को किसी की ग्राफिक डिटेल में जाए बिना भी उसकी जो कम्प्लेक्सिटीज होती हैं उसको भी पब्लिक के, रीडिंग पब्लिक के दिमाग में बैठाया जा सकता है। उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ, मेरे नावल में एक 20 लाख का बकरा में एक प्रसंग था कि घर में विलन घुसाया, उसने जो हाउसवाइफ थे उसको कब्जे में कर लिया, उसको ड्रग का कोई इंजेक्शन दिया, सारी रात उसको पता नहीं लगा क्या हुआ। सवेरे जब वो उठी तो उसने पूछा तुमने मेरे साथ क्या किया, तो उसने ये बताना नहीं शुरू कर दिया कि ये किया। मैंने एक वर्ड लिखा सिर्फ, सोच, बस नथिंग डूइंग। मैं ये नहीं किया मैं ये किया वो किया ऐसे किया वैसे, नथिंग डूइंग। रीडर जानता है क्या किया है, उसको ड्रग का इंजेक्शन दिया है, वो अकेली है घर में, उसकी एडवांटेज उसने लेनी है। अब मैं उस बात के लिए 10 पेज लिखो, मेरी आत्मा कब मंजूर नहीं करती इस बात को। तो ये उसी से अटैच करके मैं ये बात कह रहा हूँ कि मेरे लिए ये बहुत दिल लाने वाली बातें हैं। एक चीज़ और है, अब चूंकि ज़माना बदला, टेक्नोलॉजी बहुत है, आजकल फॉरेंसिक साइंस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, CCTV कैमरे हैं। कहा जाता है कि आजकल क्राइम करके बचना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि हर चीज़ प्रूफ किया जा सकता है। बाहर का शोर बहुत है, कहा जाता है कि क्राइम करके बचना मुश्किल है। हाँ, वो क्राइम करके बचना मुश्किल में करने वाला अपनी चतुराई से नहीं बचता, दूसरे की लापरवाही से भी बहुत बार बचता है। आप पत्रकार हैं, जानते हैं इस बात को, कोई ऐसा हार्ट एंड सोल से कोई केस के पीछे नहीं पड़ता है। तो जरूरी नहीं है कि कोई अपनी होशियारी से बच जाए, दूसरे की नलायकी से, लापरवाही से भी बचता है। बस ही डजंट पे डैम, होता है तो मैं क्या करूं वाली एटीट्यूड है। हमारे यहाँ इतने कमिटेड क्राइम इन्वेस्टिगेटर कहाँ है कि वो क्या, मैं जो इसको चैलेंज महसूस करेगी, ये मेरे सामने ये तथ्य आए हैं, मैं इसको हल करके रहूँगा, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, वो इसलिए होता है कि उनके उनकी सलाहियत याद है। जो बड़ा केस है जैसे आर्म्ड रॉबरी है, मर्डर है, ट्रीजन है, ऐसे केसेस थाने में आते ही नहीं, वो FBI के पास जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई इंतजाम नहीं है। हमारे यहाँ थाने का केस हो, बहुत मैग्नीफाई हो जाए तो डिमांड होती है कि इसको CID को दो या किसी और को दो। कोई ऑटोमेटिक प्रोसीजर नहीं है ये कि भाई ये बड़ा बड़ी वारदात हुई है, इसको बड़े ढंग से वो बड़ा महकमा इन्वेस्टिगेट करता है, नथिंग डूइंग। वहाँ तो है ऐसा, थाने में FDI एजेंट। आपने थाने की बात की, आपने इतनी सारी नॉवेल लिखी क्राइम बेस्ड, कभी ऐसा भी मौका आया कि किसी पुलिस स्टेशन के थाने से, मतलब पुलिस स्टेशन से या SHO ने या किसी पुलिस अफसर ने आपसे कहा कि आप इस केस को सॉल्व करने में हमारी मदद कीजिए? नहीं नहीं, मैं समझा नहीं। कभी पुलिस वालों ने आपको अप्रोच किया कि आप इस केस को सुलझ नहीं रहा? फेस टू फेस नहीं किया, लेकिन राइटिंग में कई बार ऐसा हुआ, सारे फैक्ट किसी ने भेज दिए कि भाई आप इन बातों में आप ज़्यादा वो दिमाग लड़ा सकते हो, तो सोचो कुछ क्या होता है। नहीं बस का था, उसका मैं रीज़न बताता हूँ। मैं जो मिस्ट्री लिखता हूँ उसकी एग्जीक्यूशन भी मैंने सोचनी है और उसका सलूशन भी मैंने सोचना है। एक आम आदमी बैंक में राबरी डालता है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मेरा राबरी में कामयाब हो जाने के बाद आगे क्या होगा, लेकिन राइटर को मेरे को आगे के से भी मतलब है। मैंने सिर्फ राबरी डिज़ाइन नहीं करनी, उस राबरी को ब्रेक करके भी मैंने ही दिखाना है, ऐसे क्लू मैंने बनाने हैं, ऐसा कोई किरदार मैंने खड़ा करना है जो ये कहे कि हाँ मैं हल कर सकता हूँ। तो मेरा काम तो ज़्यादा विकट है, मैंने जो परपेचुएटर है उसके दिमाग को भी सोचना है क्या करेगा, और जो इन्वेस्टिगेटर है उसके दिमाग से भी सोचना क्या करेगा, उसके बिना तो कहानी बने ही नहीं।